चलो 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 नमस्कार नमस्कार बहुत बढ़िया उद्घाटन करने के लिए शिविर के कार्य का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में पधार चुके हैं। जितने साथी हमारे अपने घरों में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जॉब पे पहुंचे। कुछ ही देर में माननीय हमारे विधायक और मंत्री और आने वाले भी मंत्री थोड़ी ही देर में यहाँ उद्घाटन करने वाले हैं शिविर का। सभी साथी मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, मौत लगेगी, मौत लगेगी, मौत लगेगी, बहुत ही शुभ है। आज हम जो करने जा रहे हैं ये मेरे हृदय में बसे, मेरे दिल में बसे कई प्लानों की पहली कड़ी है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिस तरह से अमीर लोग जीते हैं, जिस तरह से वो लोग जीते हैं जिनके पास सब कुछ है, वही चीज हम झुग्गी वालों को भी मिले। जो अधिकार अमीरों के पास है, शिक्षा के प्रति, रहने के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, वही अधिकार हम लेके रहेंगे और यहाँ के निवासी भी उसी शिक्षा का भी अधिकार, उनको भी वही हक मिलेगा, उसी स्वास्थ्य का भी हक मिलेगा, वही सारे अधिकार मिलेंगे जो उनको मिलते हैं, बिल्कुल बराबरी का। मैं दिली, मेरी दिली ख्वाहिश ये है आने वाले समय में अपने झुग्गी के अंदर अपने बच्चे इतने शिक्षित हो जाएं, वो भी आईएएस बने, वो भी आईएएस बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी लॉयर बने, इसकी हम सब मिलकर के शिक्षित होंगे तो बात बनेगी, स्वस्थ होंगे तो बात बनेगी। आपने किसी से डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, परमात्मा ने अल्लाह ने आपको वही ताकतें दी है जो किसी अमीर आदमी को दिया। हम सब बराबरी से पैदा होते हैं लेकिन समाज में इस तरह कुरीतियां हैं कि किसी को झाड़ू लगाने पे और किसी को प्रधानमंत्री बनने पे ये मजबूर करता है। हम सब शिक्षित होंगे, हम सब स्वस्थ होंगे, हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित होगी, तब जाकर के बात बनेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा आपको याद होगा जब मुझे मालूम पड़ा कि अपने झुग्गियों में शौचालय की सुविधा सिर्फ 11 बजे रात तक है, मेरे दिल में बहुत ही ऐसी पीड़ा उठी कि हमारी माँ बहन बेटी जो है रात को 11 बजे के बाद कहाँ शौचालय जाएगी, है ना। इसके बाद हमने पुरुष के तरफ एक और महिला के तरफ एक रात को भी खोल दिया, जिससे कि बहुत ही जो एक सम्मान मिलना चाहिए हमारी माँ बहन बेटी को, वही सम्मान मिलना चाहिए जो अमीर घरानों की माँ बहन बेटी को मिलती है। इसलिए वो पहला कार्य था। उसके बाद शौचालय की सुविधा बढ़ाई जा रही है वहां पे। और जो सबसे बड़ी बात आप सबको जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जो आज मोहम्मद साहब ने भी कहा कि पहला ऐसा झुग्गी है जिसमें कि सरकारी खर्चे पे, सरकारी खर्चा आपका पैसा है, ख्याल रखना ही है, ये सोमनाथ भारती का पैसा नहीं है,
ये किसी पार्टी का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप एक माचिस खरीदते हो तो भी टैक्स देते हो, एक भिखमंगा भी टैक्स देता है। ये आपके हक का पैसा है, आपके हक का पैसा आपके लिए लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। शिविर लगाने में आप सब सहयोग देंगे, ये काम बड़ा है और इस बड़े काम को पूरा करने में कुछ तकलीफें भी हो सकती है, आपको कुछ समय तक तकलीफ हो सकती है। हमारे ऑफिसर ही खड़े हैं, ठेकेदार भी ही खड़े हैं, ये सभी आपको पूरा सहयोग देंगे और आप इनका पूरा सहयोग रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पहली बार एक और काम आपके यहाँ होगा कुछ दिनों में, सीसीटीवी कैमरे आपके कॉलोनी के लिए अप्रूव हो गए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वो सुरक्षा प्रदान करेंगे जो हमारे पुलिस वाले 24 घंटे नहीं दे सकते, इसलिए इस सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद हमारे गेटों के ऊपर, हमारे जहां जहां पे लगना चाहिए, उसके बाद हमारी जिंदगी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी और हमारी माँ बहन बेटी, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सब सुरक्षित महसूस करेंगे और जो असामाजिक तत्व कुछ बदमाशी करना चाहते हैं उन पर लगाम लगेगा। और एक बात और, आपने देखा होगा कि आपके कैंप आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि अपने क्षेत्र में एक पुलिस का बूथ बनना चाहिए, वो भी आपके यहाँ करीब करीब बन चुका है। मैं ये राजनीतिक स्पीच नहीं है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, मैं एक आम आदमी आपके तरह हूँ, आपके बीच का हूँ, मेरे कपड़ों में क्रीज नहीं होता जैसे पॉलिटिशियंस में होता है, आपने देखा होगा। इसीलिए जब अपना बीच का आदमी होगा तब जाकर के उसको ये दर्द महसूस होता है कि हमारे माँ बहन बेटी, हमारे नौजवान किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसी कारण से इस बार हम सब इतनी मेहनत करें कि मालूम पड़े कि सच की विजय कैसे होती है, मालूम पड़े बगैर दारू का और बगैर पैसे का चुनाव कैसे जीतते हैं, मालूम पड़े कि गरीब आज का ये ऐलान करता है इस कैंप से कि वो दारू पे नहीं बिकेंगे, वो पैसे पे नहीं बिकेंगे। और ये देखिए तरह तरह की पार्टियां तरह तरह की तरकीबें निकालेंगी आपको, लेकिन पता है कोई कार्ड बेचे, कोई कुछ बेचे, आपने किसी के झांसे में नहीं आना, लेना भी नहीं है। अगर दे दे पैसा, दे तो पैसा ले लो, पैसे तो तुम्हारे ही है। दारू मत लेना, दारू पीने से सेहत खराब होती है, दारू पीने से अपना ही शरीर का नुकसान होता है। अगर पैसे दे दे, पैसे तुम्हारे ही है, तुम्हारे लूट के पैसे हैं, नहीं तो एक एक काउंसलर कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, देखो कैसे बड़े बड़े मकान बनाता है, है ना। आपने मुझे मंत्री बनाया, आपने मुझे एमएलए विधायक बनाया क्षेत्र का, मैं तो बिल्कुल वो जिस फटीचर हालत में पहले था और ज्यादा हो गया, क्योंकि ये सेवा का जो काम है जो परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे दिया है, आप सबने मुझे बख्शा है, इसमें मजा बहुत आ रहा है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मिलती है, लोगों की मुस्कुराहट, लोगों के समस्याओं का जब समाधान होता है तो ऊपर वाला कहता है धन्यवाद, ऊपर वाला बख्शता है, ऊपर वाला बहुत ही करीब आ जाता है और परमात्मा के, अल्लाह के साक्षात दर्शन होते हैं। आप सबने बहुत मुझे बहुत प्यार दिया है, इस प्यार को जारी रखना, आगे युद्ध लंबा है, लड़ाई लंबी है, इस लड़ाई को हमने जीतना है किसी भी हालत में, और तरह तरह के लोग आएंगे उनसे बचना है, उनको कहना है कि भाई आपने बरसों लूट लिया, अब लूटना बंद करो, अब थोड़ा सा अपना हाजमा ठीक रखो और अपने अपने घर जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन अब लूटना बंद करो। इस बार आप और जो आने वाला समय है उसमें मैं आपके लिए संघर्षरत रहूं, आपकी सेवा का बार बार मुझे मौका मिले, आपकी पीड़ा को दूर करने का मौका मिले, आपके आंसू पोंछने का मुझे मौका मिले, मुझे इसी की चाहत है। आप सबको, परिवार को, मित्रों को, साथियों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बच्चों को, सबको ढेर सारे शुभकामनाएं नव वर्ष की। 2015 एक ऐसा साल होगा जो इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से वाल्मीकि कैंप ने एक साथ खड़ा होकर बोला
कि हम सच का साथ देंगे वो कुछ भी रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार 5 साल केजरीवाल का नारा लगा दें। 5 साल, 5 साल, 5 साल। माननीय विधायक जी, ये बात सही है कि आज नए साल में पहले दिन आपने जो वाल्मीकि कैंप को तोहफा दिया है वो आज तक इतिहास में कभी किसी नेता ने हम लोगों को नहीं दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि आपने 1 तारीख को तोहफा दिया है और आने वाली जो भी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा वाल्मीकि कैंप आपको उसी तोहफा देगा और पूरे जोर से तोहफा देगा। यकीन मानिए, आप आ जाओ। मारे मारे जोर से, जोर से। आपके कैंप का उद्घाटन हो नहीं उद्घाटन है कैसे हैं? हो गया आपका उद्घाटन? चलिए इसको उठा उठा ना इसको। माननीय सोमनाथ भारती जी ने हमारे बीच में आकर इतिहास रचा है। वाल्मीकि कैंप में दिल्ली में पहली बार कैंपों के मामले में इतिहास रचा गया है, जिसमें ये प्रूफ हो गया कि अब हमारी झुग्गियां कहीं जाने वाली नहीं है।